बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एमकेएम इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मुजाहिद कामरान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी गैस कैलकुलेशन के बारे में है और आज का टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट इंडस्ट्रियल गैस बिल। तो ये हमारे पास एक इंडस्ट्रियल गैस बिल है, इसकी रीडिंग जो है ये क्यूबिक मीटर में दी हुई है। ये देखें, ये करंट रीडिंग है और ये प्रीवियस रीडिंग। ये करंट रीडिंग जो है 274,556 क्यूबिक मीटर है और जो प्रीवियस रीडिंग है वो, ये थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाएं, 268,402 ये भी क्यूबिक मीटर में है। ये करंट है और ये प्रीवियस रीडिंग है और इसका ये डिफरेंस है। मैंने आपको बताना है कि ये जो वैल्यू जो दी हुई है इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। ये जो कंपनी वाले वो तो सिर्फ लिख देते हैं कि ये जैसे प्रेशर फैक्टर है और आगे लिख दिया उन्होंने, ये प्रेशर लिया हुआ है, ये PSI में है और ये आगे जो फैक्टर है ये बार में दिया हुआ है और उसके बाद टेम्परेचर फैक्टर है। ये टेम्परेचर फैक्टर जो, ये टेम्परेचर जो है ये 66 फॉरेनहाइट में है और उसके बाद यूबली ये टेम्परेचर फैक्टर लिखा हुआ है। उसके बाद ये सुपर कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू है, ये भी मुख्तलिफ होती है हर बिल में, हर माह मुख्तलिफ चेंज होती रहती है। और उसके बाद HM3 कैसे फाइंड किया गया है, HM3 के बाद MMBTU, ये MMBTU है और उसके बाद GCV गैस क्लोरोफिक वैल्यू, ये भी चेंज होती रहती है हर माह। ये इस महीने की जो वैल्यू वो 997 है और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्चुअल लोड या सैंक्शन लोड MMCFD में है। ये बिल कैसे कैलकुलेट किया गया यही रीडिंग मैं आपको इधर समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड के लिख के डिटेल के साथ। यही मैं आपको ये सारी वैल्यू समझाऊँगा कि ये बिल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अभी मैं ये सारी जो रीडिंग है जो आपको जूम करके दिखाई है ये मैं वाइट बोर्ड पर ले आता हूँ सारी रीडिंग और उसके बाद ये कैलकुलेशन करते हैं। ये जो रीडिंग दी हुई थी ये क्यूबिक मीटर में रीडिंग दी थी, जैसे कि पहले जूम करके दिखा देंगे, यही रीडिंग मैंने इधर लिख दिया। ये करंट रीडिंग थी 274,556 और प्रीवियस है 28,268,402। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये वैसे तो डिफरेंस ये इधर लिखा हुआ है, ये आ गया 61474। ये ऊपर ये बिल में ये ऊपर ये रीडिंग दी हुई है और उसके बाद ये प्रेशर और आगे ओब्लिक फैक्टर लिखा हुआ है। यही रीडिंग से मैंने इधर लिख दिया कि प्रेशर और फैक्टर ये 53 और 4.6177 है। ये जो इस गैस बिल में जो प्रेशर लिया गया है वो PSI में है, यानी 53 PSI था लाइन प्रेशर और उसको फिर प्रेशर फैक्टर बनाया गया। ये प्रेशर फैक्टर कैसे निकाला गया है ये मैं अभी बताता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में प्रेशर फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसी फार्मूले से ये प्रेशर फैक्टर निकलेगा। सबसे पहले लाइन में जो है ये प्रेशर फैक्टर है 53 और आगे फैक्टर दिया है कि 4.6177। ये 53 ये PSI में दिया हुआ है, ये प्रेशर है PSI में और जो फैक्टर दिया गया है ये बार में है, ये बार में है। तो सबसे पहले हम 53 PSI को कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला जो हमारे पास है वो लिखेंगे कि प्रेशर फैक्टर का फार्मूला क्या है। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 53 को बार में। 1 bar इज इक्वल टू होता है 1 bar इज इक्वल टू 14.50
PSI। अगर बार को PSI में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 14.503774, यानी एक बार में 14.5037 और 74 PSI होते हैं। तो ये हमारे पास PSI दिए हुए हैं, इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है बार में। तो ये 53 डिवाइडेड बाय 14.5074, इसको डिवाइड कर लेते हैं 53 डिवाइडेड बाय 14.503774। ये हमारे पास आ गया 12 आ गया। ये इसमें जो प्रेशर दिया हुआ, जो बिल में प्रेशर दिया हुआ वो PSI में है, और जो फैक्टर फाइंड किया था प्रेशर फैक्टर वो बार में होता है। तो हम भी इसको PSI को पहले बार में कन्वर्ट करेंगे। तो बार में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 3.65422, ये बार आ गया हमारे पास, ये 53 को बार में, हमने 53 PSI को बार में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद जो प्रेशर फैक्टर फाइंड करेंगे, प्रेशर फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है इज इक्वल टू लाइन प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर। ये प्रेशर फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम प्रेशर फैक्टर फाइंड करते हैं, तो इसमें ये हमारे पास लाइन, ये लाइन प्रेशर आ गया है, ये थोड़ा सही हो गया, मैं ये 3.65422 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.696 PSI होता है, और उसको अगर बार में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 1.01325। और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर है। कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर मैं इससे पहले बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर जो होता है वो 14.66 PSI में दिया होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सप्लायर कंपनी की तरफ से कस्टमर के साथ, ये उसमें ये प्रेशर लिखा हुआ है। वो बार को 14.66 PSI को अगर बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.01077। अब इसको हम हल कर लेते हैं, पहले इसको ये प्लस करेंगे और डिवाइड इस ये वाले कर देंगे, ये 3.65422 प्लस 1.0 और डिवाइडेड बाय 1.0
1077। ये लिख देता हूँ, ये हम इसको प्लस करेंगे 3.65422 प्लस 1.01325 और ये डिवाइड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर जो है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, ये प्लस इन दोनों को प्लस करके ये डिवाइड किया, तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाती है। आप अपने पास ये वैल्यू प्लस करके और इसको डिवाइड करें तो एग्जैक्ट ये आपके पास ये वैल्यू आएगी 4.6177। यानी यही इस गैस बिल में दिया हुआ है, ये इस तरह रीडिंग लिखी हुई थी, प्रेशर फैक्टर और आगे 53 और ओबली 4.6177। ये जैसा कि पहले मैं यहाँ से दिखा चुका हूँ कि ये उन्होंने लिख दिया था कि ये प्रेशर 4.6177 है। तो ये किस तरह फाइंड किया जाता है प्रेशर, वो मैंने आपको प्रेशर फैक्टर डिटेल से बता दिया कि ये जो प्रेशर लाइन प्रेशर है वो PSI में दिया हुआ है। PSI को हमने बार में कन्वर्ट किया, एक बार में 14.50377 PSI होते हैं। तो 53 PSI को जब बार में कन्वर्ट कर दिया हमने तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने प्रेशर फैक्टर लगाया, जो इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेशर फैक्टर का फार्मूला लाइन प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर। लाइन प्रेशर हमारे पास ये था बार में, बिल में जो दिया है वो उसमें दिया हुआ है, PSI में दिया हुआ है, हमने उसको बार में कन्वर्ट किया। और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रेशर, ये बिल में कहीं नहीं दिया हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सप्लायर कंपनी की तरफ से, ये उसमें दिया जाता है। तो ये हमने इसकी वैल्यू लिखी थी, जब इसको सॉल्व किया तो एग्जैक्ट हमारे पास ये 4.6177 ये फैक्टर आ गया। ये फाइंड उसमें बिल में भी यही फैक्टर दिया हुआ है। आपके पास जो भी बिल है वो होगा, उसमें ये रीडिंग मुख्तलिफ हो सकती है, उसके हिसाब से ये फैक्टर भी मुख्तलिफ हो सकता है। ये रीडिंग मतलब 53 की बजाय 60 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 45 PSI जो भी होगी। जो मेन चीज़ है वो है कि फार्मूला कौन सा होता है प्रेशर फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो फार्मूला यही है। इसमें जो PSI में दिया था, हमने पहले उसको PSI को कन्वर्ट कर लेना ना बाहर में, और उसके बाद प्रेशर फैक्टर का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू वही आ गई जो इसमें यहाँ बिल में ये वैल्यू दी हुई है, फैक्टर जो दिया हुआ है इसमें। इसके बाद जो सेकंड पे दिया गया है, ये टेम्परेचर और उसके बाद ये उबली फैक्टर, यही रीडिंग मैंने सेम जो रीडिंग है ये वाली, ये सेम रीडिंग मैंने इधर लिख दी है, टेम्परेचर ये फैक्टर और आगे लिखा गया है जो बिल के बिल में रीडिंग है 68/0.9848। इसमें सिर्फ ये बता दिया गया है ये टेम्परेचर है और ये उसका फैक्टर है। ये फैक्टर टेम्परेचर फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेम्परेचर है ये फॉरेनहाइट में दिया हुआ है, ये फॉरेनहाइट 68 फॉरेनहाइट, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये गैस बिल कैलकुलेशन है, ये इसका पार्ट वन है। पार्ट टू में हम जो है वो इसकी रीडिंग जो क्यूबिक फीट में होगा उसको डिस्कस करेंगे, और ये जो टेम्परेचर फैक्टर है फाइंड करते हैं हम, इससे पहले भी और इस वीडियो में भी फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, जो इससे अगले वाली वीडियो होगी उसमें हम फारेनहाइट को रैंकाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी ये 68 को हम फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है के इज इक्वल टू एफ प्लस 459.67 मल्टीप्लाई 5/9। ये फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है।
तो हमारे पास फारेनहाइट जो दिया हुआ वो है 68 प्लस ये आ जाएगा 459.67 मल्टीप्लाई 4/9। अब ये इसको प्लस कर देते हैं, 68.459.67 मल्टीप्लाई 5/9। ये आप चाहें तो पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको बाद में डिवाइड कर दें 9 से, या पहले 5 डिवाइडेड बाई 9 कर लें, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरह से करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। तो मैं पहले कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई 5 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 5 ये आ गया 2638.35 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 9 और इसको 9 से डिवाइड करते हैं, यानी हमारे पास ये जो टेम्परेचर दिया गया था इसको हमने फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, ये 293.15 आ गया। उसके बाद ये फैक्टर है, ये हम टेम्परेचर फैक्टर फाइंड करते हैं। केल्विन हमारे पास 68 फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया हमने, ये हमारे पास आ गया 293.15। अब ये फैक्टर, ये आगे फैक्टर फाइंड किया हुआ है, ये फैक्टर लिखा हुआ है टेम्परेचर फैक्टर, ये कैसे है, इसका फार्मूला है टेम्परेचर फैक्टर इज इक्वल टू बेस बेस टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लाइन टेम्परेचर। ये हमारे पास लाइन टेम्परेचर ये था 68 फारेनहाइट, इसको हमने कन्वर्ट के लिया केल्विन में, तो ये हमारे पास लाइन टेम्परेचर आ गया है। बेस टेम्परेचर जो है वो इससे पहले मैं बता चुका कि 60 फारेनहाइट होता है, 60 फारेनहाइट को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी यहाँ पे कर लेते हैं, के इज इक्वल टू एफ प्लस 459.67 मल्टीप्लाई 4/9। तो ये आ जाएगा 60, ये बेस टेम्परेचर जो होता है ये 60 फारेनहाइट, और लाइन टेम्पर जो था वो था हमारे पास 68 फारेनहाइट। अब 60 को करते हैं कन्वर्ट केल्विन में, 459.67 मल्टीप्लाई 5/9। इसको कैलकुलेटर से 60 प्लस 459.67 मल्टीप्लाई 5/9,
इसको मल्टीप्लाई 5 से कर दें और डिवाइड 9 से, टू एटी एट पॉइंट 7056 ये हमारे पास केल्विन में आ गया। ये केल्विन में हमारे पास बेस टेम्परेचर। अब हमने लाइन टेम्परेचर को भी कन्वर्ट कर लिया है उसमें केल्विन में, और बेस टेम्परेचर को भी कन्वर्ट कर लिया है केल्विन में। ये जो था ये लाइन टेम्परेचर था 68 जो बिल में दिया हुआ है। तो अब ये बेस टेम्परेचर हमारे पास से 288 पॉइंट 7056 और लाइन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 293.15। इसको डिवाइड कर देते हैं 288.7056 डिवाइडेड बाय 293.15। ये हमारे पास आ गया 0.9848। ये टेम्परेचर फैक्टर, यही सेम वैल्यू जो हमारे हमने फाइंड की है, ये सेम वैल्यू यही दिए हुए है टेम्परेचर फैक्टर। ये यहाँ पे ये पहले दिखा चुके हैं कि ये टेम्परेचर फैक्टर, पहले प्रेशर फैक्टर था वो हमने फाइंड किया, उसके बाद ये बिल में टेम्परेचर जो लाइन टेम्परेचर था वो 68 फॉरनहाइट दिया हुआ था, और आगे जो फैक्टर था वो ये दिया हुआ था 0.9848। ये कैसे फाइंड किया गया हमने ये डिटेल से मैंने फार्मूले के साथ आपको बता दिया। पहले 68 को केल्विन में कन्वर्ट किया फॉरनहाइट को, उसके बाद जो बेस टेम्परेचर था 60 फॉरनहाइट उसको केल्विन में कन्वर्ट किया, उसके बाद 288.7056 डिवाइडेड बाय 293.15 किया फार्मूले के हिसाब से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.9848। एग्जैक्ट यही वैल्यू ये दी गई है जो बिल में दी हुई है टेम्परेचर फैक्टर की। ये हमारे पास टेम्परेचर फैक्टर आ गया है। प्रेशर फैक्टर के बाद टेम्परेचर फैक्टर, और उसके बाद जो है ये सुपर कंप्रेसिबिलिटी ये वैल्यू दी हुई है 1.0079। ये सुपर कंप्रेसिबिलिटी भी वैल्यू भी हर माह चेंज होती रहती है, ये बिल्कुल 1 के करीब करीब होती है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। 1.0050 भी आ जाएगी 1.0079। जो इस बिल में ये दी हुई है सुपर कंप्रेसिबिलिटी वो दी हुई है 1.0079। उसके बाद HM3 लिखा हुआ है, HM3 सिंपल इन्होंने लिख दिया कि HM3 लिख दिया है, लेकिन कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। HM3 होता है इज इक्वल टू NM3 डिवाइडेड बाई 100। ये HM3 फाइंड करने के लिए दो फार्मूले होते हैं। अगर तो ये NM3 में रीडिंग आ रही है, डिफरेंस NM3 में हो, तो जो NM3 आएगा उसको डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो ये HM3 आ जाएगा, और अगर क्यूबिक फीट में दी हुई है तो उसके लिए और फार्मूला है, वो इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास NM3 है, जो इससे पहले हमने डिफरेंस निकाला था वो हमारे पास दिया हुआ है, ये NM3 जो था 6174, ये NM3 जो डिफरेंस निकाला था
ये जो वैल्यू है ये ईवीसी मीटर की रीडिंग है, इसमें ऑलरेडी जो टेम्परेचर फैक्टर और प्रेशर फैक्टर है वो टेम्परेचर कंपनसेटेड होती है। इसमें हम फर्दर टेम्परेचर फैक्टर और प्रेशर फैक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ईवीसी मीटर की रीडिंग होती है, यानी ईवीसी मीन इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम करेक्टर। प्रेशर और टेम्परेचर फैक्टर हम लगाते हैं जो सिंपल हमारे पास वैल्यू होती है, जो सिर्फ फ्लो की रीडिंग होती है क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फीट में, तो उसमें फर्दर हम उसके साथ टेम्परेचर फैक्टर और प्रेशर फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो बिल में दी रीडिंग दी होती है ये ऑलरेडी टेम्परेचर फैक्टर प्रेशर कंपनसेटेड होती है, तो इसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर फैक्टर ऐड नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है टेम्परेचर फैक्टर और प्रेशर फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है और ये बिल की जो कंप्लीट कैलकुलेशन है वो कैसी की जाती है। तो HM3 फाइंड करेंगे, NM3 हमारे पास 61474 है और डिवाइडेड बाय 100, और इसके साथ एक ये भी है कि ये मल्टीप्लाई सुपर कंप्रेसिबिलिटी, ये भी वैल्यू आती है। जो भी सुपर कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू आएगी HM3 को 100 से डिवाइड करने के बाद, NM3 को 100 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई SC से, यानी सुपर कंप्रेसिबिलिटी से मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे। ये 100 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 100 NM3 इज इक्वल टू 1 हेक्टो क्यूबिक मीटर होता है, यानी 1 हेक्टो क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 100 NM3। इसलिए हमने ये हेक्टो क्यूबिक मीटर फाइंड करना है। NM3 हमारे पास दिया हो तो डिवाइड 100 से कर देंगे, ये आ जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.74 आ गया, और मल्टीप्लाई ये वैल्यू सुपर कंप्रेसिबिलिटी 1.0079, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1.0079, ये HM3 619 ये HM3 हमारे पास आ गए 619.5659। यही HM3 यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ये आ रही है HM3। ये बिल में सिर्फ HM3 लेके आगे वैल्यू लिख दी थी, लेकिन HM3 कैसे फाइंड किया जाता है वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि NM3 डिवाइडेड बाई 100, अगर ये रीडिंग NM3 में है, अगर क्यूबिक फीट में है तो उसका फार्मूला और है, वो इससे अगले बिल में इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। NM3 को डिवाइडेड बाई 100 कर दिया और मल्टीप्लाई जो भी सुपर कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे लिखी होती है वैल्यू जो भी हो उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये जब डिवाइड किया तो 614.74 आ गया, और उसको हमने ये SC यानी सुपर कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गए HM3 619.59। ये एग्जैक्ट यही वैल्यू है जो यहाँ बिल में लिखी गई है, यानी HM3। अब HM3 के बाद यहाँ पे है MMBTU 2192.557, ये MMBTU फाइंड किया गया। MMBTU फाइंड करने का फार्मूला होता है HM3 मल्टीप्लाई GCV और डिवाइडेड बाय 281.7385। HM3 अभी हमने फाइंड किए थे और HM3 यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये अभी हमने फाइंड किए थे
619.594 मल्टीप्लाई जीसीवी, ये ग्रॉस, ये गैस जो है इसकी वैल्यू है जीसीवी, ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू, ये भी हर बिल में चेंज हो जाती रहती है, 1000 से ऊपर भी होती है, 1000 से कम भी होती है। तो हमने यहाँ पे जीसीवी जो बिल में दी हुई है वही लेनी है, ये 997 है हमारे पास, 997 और डिवाइडेड बाई 281.7385, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, HM3 को मल्टीप्लाई करेंगे GCV से, सिक्स वन नाइन पॉइंट फाइव नाइन फोर मल्टीप्लाई 997, ये हमारे पास 617.352 और डिवाइडेड बाई 281.7385, ये हमारे पास वैल्यू, यही वैल्यू सेम जो ये वैल्यू दी हुई थी, यही हमारे पास, ये कैलकुलेट इसको किया तो यही हमारे पास वैल्यू आएगी। MMBTU, यानी MMBTU यहाँ पे, ये जो MMBTU दिए हुए हैं बिल में वो कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये फार्मूला है, MMBTU इज इक्वल टू HM3 मल्टीप्लाई GCV और डिवाइडेड बाय 281.7385, इसको जब मल्टीप्लाई करके और डिवाइड इससे किया है तो ये हमारे पास आंसर आ गया MMBTU 2192.58। ये बिल्कुल सेम वैल्यू वही है, थोड़ा सा पॉइंट में ये डिफरेंस आ रहा है, बाकी ये वैल्यू तो वही आ रही है जो ये बिल में दी गई है। और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्चुअल लोड दिया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल लोड या सैंक्शन लोड, ये सैंक्शन लोड या कॉन्ट्रैक्चुअल लोड क्या होता है, ये हमें दिया जाता है SNGPL की तरफ से, जो एग्रीमेंट होता है कि हमारे पास एक जनरेटर है या दो जनरेटर हैं, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्चुअल लोड या सैंक्शन लोड हमें दिया जाता है। आमतौर पर जो एक जनरेटर के लिए 320 के लिए है कॉन्ट्रैक्चुअल लोड, वो है 0.3 MMCFD। MMCFD क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये MMBTU जो हमारे पास आ गया, अब उसके बाद जो रेट इसका होता है, प्राइस निकालनी होती है MMBTU, वो रेट दिया जाता है हर बिल में, ये रेट दिया हुआ है यह हमें पर MMBTU जो 1522, तो ये गैस अमाउंट आ जाएगी, रेट जो दिया है वो 1522 58.58, ये रुपीस में जो दिया रेट है वह 1522.5858, तो ये टोटल अमाउंट बन जाएगी हमारी
MMBTU (2192.557) और मल्टीप्लाई ये जो रेट दिया हुआ है 1522.58, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2192.557 और मल्टीप्लाई जो रेट है हमारे पास 1522.58, यो ये हमारे पास टोटल अमाउंट जो गैस बिल है, ये हमारे पास अमाउंट आ गई इसकी, ये अमाउंट यहाँ पे दी हुई है, ये एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली आ गई 3383433.4, ये टोटल जो गैस बिल की अमाउंट है वो ये हमारे पास आ गई है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है MMCFD, ये रिकॉन्ट्रैक्चुअल लोड। ये कॉन्ट्रैक्चुअल लोड या सैंक्शन लोड जो है ये MMCFD में दिया जाता है, यानी मिलियन क्यूबिक फीट पर डे। ये आमतौर पे एक जनरेटर के जो 320 गैस जनरेटर है उसके लिए आमतौर पे 0.3 होता है MMCFD 0.3 MMCFD यानी मिलियन क्यूबिक फीट पर डे। इसको मल्टीप्लाई 1 मिलियन से कर देंगे यानी 1 मिलियन मल्टीप्लाई 0.3 0000, यानी ये 3 लाख क्यूबिक फीट पर डे जो सैंक्शन लोड है वो 3 लाख क्यूबिक फीट पर डे आ जाएगा। और इसके बाद पर आर इसको भी निकालना हो तो इसको पर आर भी निकाल सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे डिवाइडेड बाय 24 12,500 ये पर आर आ जाएगा पर आर। ये 3 लाख जो 3 लाख थे ये, और डिवाइड करेंगे इसे 24 को तो ये आ जाएगा पर आर का, ये 12,500 फीट पर आर, क्यूबिक फीट पर आर। और अगर इसको डिवाइडेड कर दें फिर फर्दर 12,500 को 1000 से तो ये 12.5 MCF आ जाएगा, MCF 12.5 MC यानी
ये एम जो है ये मिलियन नहीं है ना ही ये मेगा है, ये इस एम का मतलब होता है थाउजेंड, यानी ये थाउजेंड क्यूबिक फीट, थाउजेंड से इसको डिवाइड कर दिया तो 12.5 एमसीएफ, यानी ये हमारे पास जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोड है वो 12.5 एमसीएफ पर आर है। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, इसमें मैंने गैस बिल कैलकुलेशन के बारे में डिटेल से बताया है। इससे पहले YouTube पे बहुत सारे दोस्तों ने गैस बिल कैलकुलेशन के बारे में वीडियो बनाई है, लेकिन इतनी डिटेल से ये नहीं बताया गया कि ये बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है कि ये वैल्यू प्रेशर फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, टेम्परेचर फैक्टर इसमें कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बाद MMBTU और उसके बाद HM3 फाइंड किया है। लास्ट में मैंने ये भी बताया कि MMCFD क्या होता है, ये सबसे नीचे बिल में ये लिखा होता है MMCFD, ये मुख्तलिफ होता है पावर हाउस के हिसाब से, कम ज़्यादा इंजन के हिसाब से ये MMCFD मुख्तलिफ होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।